आपको बता दें, घटना धौरारा क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर की है। यहां दबंग प्रवृत्ति के लोग गरीब गांव वालों पर जो 30-35 साल से रह रहे हैं उनके मकान पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसी के चलते कई बार दबंगों ने मारपीट की जिसमें कई लोगों के चोटें आईं तथा एक पीड़ित को बांका मारकर घायल कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि दरोगा राम जी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है, वो दबंगों के साथ मिले हुए हैं। इसी संबंध में एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दबंगों अलीम सलीम और मुस्लिम के खिलाफ दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अधीक्षक द्वारा कब आरोपियों और आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट अब्दुल कवि। नाम है? हाँ मेरा। हाँ अपना नाम बताओ। आप सरी। आप कहाँ रहती हो? फतेहपुर। फतेहपुर धौरारा थाना। हाँ सर पे चोट कैसे लगी है? अरे सलीम ने बाका मारा। बाका सलीम ने मारा? हाँ, काहे मारा? सलीम मुस्लिम मुस्लिम अलीम लड़ाई कहते हैं। जमीन मुझे घर खाली करके दीजिए। जमीन घर खाली करके दे? हाँ। जमीन उनकी है? नहीं। हाँ। मेरे अब्बू ने खरीदा था। खरीदा कितने साल पहले? 45 साल 55 साल हो गए। 40-45 साल हो गए हैं? 38 साल हो गए। हाँ पुलिस से वहाँ मदद नहीं मांगी? पुलिस मेरी मदद नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। रामजीत दरोगा ने? हाँ। और रामजीत दरोगा ने मुझे उन लोगों की मदद करते हैं और मेरी सुनवाई नहीं होने की। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? काहे के लिए आए हैं? क्या हुआ यहाँ पे आज भीड़ लगा? जमीन छीनी जा रही है घर की, और मकान बना हुआ है उसमें रह रहे थे, उसका सामान फेंक दिया गया और उनको मारा गया। मेरी टप छीन लिया। अच्छा मारा पीटा गया। कितने लोग हैं आप? सभी लोगों का मकान बना हुआ है? सबको लोग, सबका मकान है। कितने साल हो गए रहते हैं आपको वहाँ पे? 38 साल हो गए। मकान सबके कच्चे होने पक्के होने? पक्के बने। सभी लोगों के मकान है यहाँ पे? सभी लोगों के मकान है। अच्छा तो पुलिस से सहायता नहीं मांगी? सहायता मांगी तो उनकी मदद की उन्होंने, पुलिस वालों ने हमारे लोगों की मदद नहीं की। पुलिस ने उनकी मदद की? हाँ। तो क्या पुलिस मौके पर गई थी क्या? हाँ गई थी। खाली करवाने? हाँ खाली करवाने गई। खाली करवाने गई थी, सामान सारा फेंक दिया जी और इनको मारा सबको। अच्छा अच्छा। मार के फिर बाद में सब लोग भाग आए। कौन कौन पक्षी था? सलीम रहे जी, मुस्लिम और अलीम रहे। हाँ कितने लोग रहे? कितने लोग लगभग रहे होंगे? लगभग 25-30 लोग गए थे। 25-30 लोग? हाँ 25-30 उनके घर के रहे और इधर उधर के रहे। और इधर उधर के? हाँ। तो आप लोग यहाँ आए साहब मिले? हाँ साहब मिले। अच्छा अच्छा। न्याय को कुछ उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हाँ न्याय है, उम्मीद है मिलेगा। न्याय न्याय मिलेगा तो ये आपके। अच्छा जो जमीन है उसके ऊपर लिखा पड़ी है आप लोगों के पास? हाँ लिखा पड़ी है सर। बैनामा है? क्या है? बैनामा नहीं लिखा पड़ी है, स्टाम्प है। स्टाम्प की लिखा पड़ी है? हाँ स्टाम्प की, नोटरी वाली। हाँ नोटरी वाली है। हाँ केवल नोटरी के अलावा कुछ नहीं है? अच्छा अच्छा। सब खाली है? ऐसे खाली है, मतलब लिखा पड़ी कोई नहीं। तो इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये धौरारा के फतेहपुर गांव के निवासी हैं जिनकी एक टोली लखीमपुर आई हुई है पुलिस अधीक्षक खीरी के यहाँ अपनी प्रार्थना पत्र शिकायत दे करके। इनका कहना है कि जिस आवास जिस भूमि पर ये आवास बना के अपना रह रहे हैं, अपनी जमा पूंजी जीवन काल की लगाए हुए हैं, वहाँ पर जो पूर्व भूमि मालिक है जिनसे इनके पूर्वजों ने भूमि बिक्री के नाम पर खरीदी थी और स्टाम्प की लिखापड़ी कराई थी, नोटरी कराई थी, किसी कारणवश बैनामा नहीं हुआ। उस समय बैनामा होते भी नहीं थे, जिसका फ़ायदा आज वर्तमान समय में विपक्षीगढ़ उठा रहे हैं। जो ज़मीन पुराने समय में लगभग 10,000 रुपये की ली गई थी उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के ऊपर होगी। उक्त बेईमानी की नियत से उनके मन में लालच है जिसके कारण वह मारपीट की है। ये महिला खड़ी, इनका आरोप है कि इनके सर पे बांके से वार किया गया। साथ साथ पुलिस पर भी उपरोक्त लोगों ने आरोप लगाया है कि दरोगा रामजीत जिन्होंने विपक्षी गणों की पैरवी की, जबकि नियमानुसार पुलिस जमीनी मामले में नहीं दखलअंदाजी करती है,